जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है 28 अक्टूबर को, जो कि यहाँ भारत में दिखाई देगा, उस ग्रहण में आप अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना या फिर नायिका साधना या योगिनी साधना या फिर और दूसरी साधनाएं या फिर साबर मंत्र साधना आप किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में मैं पूरा विस्तार से आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरी देखना और ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनोगे तभी आपकी पूर्ण रूप से समझ में आ पाएगा। अब यहाँ पर आपको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं पहले कि देखिए, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं वो अगर उनको वीडियो अच्छा लगता है तो फिर चैनल को वो सब्सक्राइब करें, और साथ में ही जो बेल का बटन है ना उसको आप प्रेस करके ऑल पे के फंक्शन पे क्लिक करें, क्योंकि अगर आप ऑल के फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोज़ को आप देख पाएंगे और जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इसलिए आप ये आप जरूर करना, और पुराने व्यूवर्स से भी मेरा अनुरोध है कि उनको भी एक बार देख लेना चाहिए कि उन्होंने बेल के बटन पर ऑल पे क्लिक किया है या नहीं किया है, क्योंकि चैनल तो उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन ऑल पे क्लिक किया है कि नहीं किया है ये जरूर ध्यान से देख लेना, ठीक है। और आपको मैं एक बात बार बार मैं बोल रहा हूँ तो फिर भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ को। मैंने आपसे बार बार बोला है कि देखिए, रात्रि में आप मुझे मैसेज मत कीजिए, क्योंकि रात्रि में मेरी भी साधनाएं होती हैं, मुझे भी टाइम देना होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा आपको नहीं टाइम दे पाऊँगा, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, तो ध्यान दें इस चीज़ पे। और जो भी लोग सामग्री साधना के प्रति जो भी सामग्री लगती है, अगर आप उसको मंगाना चाहते हैं तो आप दिवाली से 10 दिन पहले पहले ऑर्डर कर लें, क्योंकि अगर आप उसके बाद में ऑर्डर करते हैं तो टाइम से सामग्री नहीं मिल पाती है। ऐसा कुछ लोगों ने अभी नवरात्रि में भी इस चीज़ को फेस किया है कि उनको सामग्री टाइम से नहीं मिली है और कुछ को मिल गई है। जिन्होंने ऑर्डर को पहले कर दिया उनको सामग्री मिल गई, और जिन्होंने ऑर्डर लेट किया उनको सामग्री टाइम से नहीं मिल पाई है, ठीक है। हालांकि टाइम जो है वो नवरात्रि से लेकर के दीपावली तक का है, आप कभी भी कोई भी साधना आप कर सकते हैं। अब देखिए, बात आती है चंद्र ग्रहण की। अब चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगेगा, और वो भी रात्रि में 1:05 से शुरू होगा और 2:24 पे खत्म हो जाएगा, यानी लगभग आपका 1 घंटा 20 मिनट का होगा लगभग। लेकिन चंद्र ग्रहण ये मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये हिंदुस्तान में दिखाई देगा, जहां आप साधना करेंगे वहां दिखाई देगा, तो इसका पूर्ण रूप से प्रभाव रहेगा। जब कोई चंद्र ग्रहण कहीं बाहर पड़ता है ना और वो आपको दिखाई नहीं देगा हिंदुस्तान में, तो फिर उसका प्रभाव उतना नहीं होता है जितना कि दिखाई देने वाले का होता है। और आज मैं आपको जो बताऊंगा वो आपको बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण में भी आप कैसे यंत्र मालाओं के साथ में आप किस प्रकार से साधना कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिन्होंने पहले सामग्री मंगा के रखी हुई है वो सामग्री से ही आप करें साधना, पूर्ण विधि विधान के साथ करें। जैसे आपको मैंने साधना बताई है दूसरी वीडियोज में, मान लिया कि आप नाभि दर्शना साधना करते हैं, उर्वशी करते हैं, या फिर लीलावती है, या फिर और दूसरी अप्सराएं कोई भी हो, या फिर किसी यक्षिणी की करते हो, या योगिनी की करते हो, या लक्ष्मी साधना करते हो, या अष्टलक्ष्मी करते हो, कोई सी भी करो, या साबर मंत्र करो, आपको जो मैंने तरीका बताया है वीडियोज के अंदर उसी तरीके से करना। ये आप मत सोचना कि हम अगर पूजा घर में जाकर के साधना करते हैं तो हमारी माला खंडित हो जाएगी या फिर हमारा यंत्र खंडित हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है।
अब इसमें आपको क्या करना होगा कि जब आप साधना करने बैठें तो आपको ना तो किसी अपनी मूर्ति को स्पर्श करना है, ठीक है, जो आपके मंदिर में या साधना कक्ष में जो भी मूर्तियां रखी हुई हैं उनको स्पर्श नहीं करना है, ठीक है, और दूसरा यंत्र को भी स्पर्श नहीं करना है। रक्षा माला को स्पर्श कर सकते हो और जो जाप की माला है उसको भी स्पर्श कर सकते हो, गुटिका को भी स्पर्श नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि जब हमें स्पर्श नहीं करना है तो फिर हम पूजा कैसे करेंगे? अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, आपको पुष्प चढ़ाने हैं, आप पुष्प चढ़ा दीजिए, ठीक है, स्पर्श नहीं होगा। आपको टीका लगाना है, एक माचिस की सीख होती है ना, माचिस की तीली, आप उससे टीका लगा सकते हैं, आपके हाथ का स्पर्श नहीं होगा। उसी प्रकार से यंत्र का करें, उसी प्रकार से आप दूसरे जो जो भी आपको पूजन करना है, मैंने वीडियो में बताए हुए हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं, आप वहां देख सकते हो। अगर किसी ने नहीं देखे है तो सर्च कर लेना, चैनल पर आपको मिल जाएंगे। उसी प्रकार से साधना करनी है, गुरु मंत्र का जाप करना है और दिग्बंधन यानी कि जो मैंने मंत्र अक्सर मैं बताता हूं, ओम असर्पंतु ये भूताय भूमि संसिता, ये भूता है विघ्नकर्तास्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा अपक्रमणान् तु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। ये आप दिग्बंधन उसी प्रकार से लगाएंगे जैसे मैंने और वीडियोज में बताया है, ठीक है। उसी प्रकार से आप अगर बटुक भैरव के मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो एक माला का जाप आप उसका भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अपनी साधना का जो भी मंत्र है आपका उसको आप शुरू कर दीजिए। अब चंद्र ग्रहण में जो आप साधना करेंगे उसका आपको कम से कम 100 गुना फल अधिक मिलता है, क्योंकि अगर आप वैसे साधना करते हैं तो फिर आप को जो आप माला जपेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा, और अगर किसी ग्रहण में करते हैं तो आपको 100 गुना फल मिलता है, यानी एक माला 100 माला के बराबर है, इतना उस मंत्र के अंदर ऊर्जा आ जाती है। अच्छा, आपको जो अनुभव है, अनुभव आपको चंद्र ग्रहण में भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि चंद्र ग्रहण के अंदर ही आपकी साधना भी सिद्ध हो जाए, प्रत्यक्ष प्रकट भी हो सकती है, ये भी कोई निश्चित नहीं है कि भाई प्रकट ना हो या हो जाए, वो आपकी साधना के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा के भी ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है जो आपने मंत्र साधना करके प्राप्त की है, कितनी कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो फिर आपका ध्यान लगता है, और जब ध्यान आपका एकाग्र हो जाता है तो साधनाएं बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं। अब इसीलिए जो नया साधक होता है ना, उसको इसीलिए टाइम लगता है शुरुआत में, क्योंकि उसकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होती नहीं है, और जब जागृत नहीं होगी तो उसका ध्यान नहीं लगेगा, और ध्यान नहीं लगेगा तो उसको साधना जल्दी से सिद्ध नहीं होगी। अनुभव भी तभी आते हैं जब आपका ध्यान एकाग्र हो जाता है, तो इसलिए नए साधक को टाइम लग जाता है अनुभव प्राप्त करने में भी और साधना को सिद्ध होने में भी। जो पुराने साधक होते हैं जिन्होंने पहले से ही कई कई साल पहले से ही कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनको जल्दी अनुभव आता है और उनको साधना भी जल्दी सिद्ध होती है। अब आप अगर अष्टलक्ष्मी साधना इसमें करना चाहते हैं तो अष्टलक्ष्मी साधना का भी वही नियम है जो मैंने आपको अप्सरा साधना का बताया है, वैसे ही वीडियोस आप अष्टलक्ष्मी की भी देख सकते हैं, और साबर मंत्र से भी मैंने अष्टलक्ष्मी साधना दी है, अघोर लक्ष्मी साधना भी दी है। अगर आप इस टाइम में अगर चंद्र ग्रहण में ग्रहण पड़ते वक्त अगर आप लक्ष्मी साधना करते हो तो वो भी बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा ही होगा, क्योंकि वो साबर मंत्र से दी है। वैदिक मंत्र में तो जब भी थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन साबर मंत्र से साधना तीव्रता के साथ में आती है, तो इसलिए साबर मंत्र जो बताया मैंने
उससे भी आप साधना कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप बिना सामग्री के ही साधना करेंगे, आप सामग्री के साथ साधना कर सकते हो। तरीका जो मैंने बताया उसी तरीके से आपको करना है। और जिन लोगों ने साधना की सामग्री नहीं ली, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जी साधना की सामग्री ना लेनी पड़े और हमारे ऐसे ही साधना सिद्ध हो जाए, क्योंकि कुछ चतुर चालाक भी होते हैं ना, तो उनको नहीं, उनको कुछ अनुभव आ पाते हैं उस चीज़ से, क्योंकि जो यंत्र है या माला है, अगर इनकी ज़रूरत ना होती तो ये बनते ही नहीं। पहली बात तो ये है, अगर इनकी ज़रूरत नहीं होती तो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती, इनका नाम ही क्यों होता तंत्र शास्त्र में। इनकी ज़रूरत है इसीलिए इनका नाम भी है। तो इसलिए जो तंत्र विज्ञान के जो भी आचार्य रहे हैं या जो भी पहले जो है ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने जो साधनाएं दी हैं, उन्होंने जो नियम तरीके जो बताए हैं या विधियां दी हैं, वो कोई पागल नहीं थे। उन्होंने सब कुछ देख करके, सोच समझ करके तब विधि दी है कि उसको किस प्रकार से साधना को किया जाए कि वो सफल हो जाए। अन्यथा तो भाई साधनाएं तो लोग बहुत सी करते हैं, असफल भी होती हैं। मंत्र जाप करते रहो, कोई फल मिलता नहीं है। बहुत से लोग तो सोचते हैं कि माला की जरूरत ही ना पड़े, बिना माला के ही मंत्र जाप करें। और देखिए, बिना सामग्री के मंत्र जाप करना ठीक वैसा ही है जैसा कि आप ग्रहण में साधना करते हैं तो आपको 100 गुना फल अधिक मिलता है। उसी प्रकार से सामग्री के साथ जब साधना करते हैं, यंत्र माला रक्षा माला इन सब चीज़ों के साथ में, तो फिर आपको उसी प्रकार से फल मिलता है ज़्यादा। अगर बिना माला के या बिना वैसे ही आप जाप करते हैं तो फिर आप समझें कि जैसे चंद्र ग्रहण में 100 गुना फल मिलता है, उस प्रकार से आपको वो फल नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आप सामग्री के साथ साधना करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मन भी लगता है उसमें, साधना में भाव पैदा होता है। जब आप सामग्री से साधना करते हो, आप सोचते हो कि ये अप्सरा का यंत्र है और इस यंत्र में आकर के अप्सरा समाहित होगी, तो आपका एक विश्वास बढ़ता है। या आपके सामने फोटो रखा है अप्सरा का, तो आप का विश्वास बढ़ता है कि ये सामने जो है फोटो, इसमें ये अप्सरा है, ऐसी अप्सरा होती है। क्योंकि भगवान का या किसी भी शक्ति का कोई रूप नहीं है, वो निराकार में है, लेकिन हमें अपने माइंड में एक प्रतिबिंब जो बोलते हैं ना, एक फोटो अपने माइंड में रखने के लिए वो सब आकृतियां उस प्रकार से बनाई गई हैं कि ये भगवान शिव हैं, ये भगवान विष्णु हैं। हालांकि सभी एक ही चीज़ हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग उनको जो है मूर्तियों के रूप से दिखाया गया है। क्योंकि हम कैसे भगवान को माने, कैसे पूजा करें जब उसका कोई आकार ही नहीं है। तो क्योंकि हवा है, हवा दिखाई तो देती नहीं है, क्योंकि हवा हवा का कोई रंग रूप नहीं है। तो फिर हवा को कैसे पहचानते हैं? हवा को तब पहचानते हैं जब कोई पर्दा हिलता है, जब कोई पेड़ हिलता है, पत्ते हिलते हैं, तो पता लगता है कि हवा चल रही है, नहीं तो हवा का पता ही नहीं लगता। तो इसलिए भगवान का भी तो तभी पता लगता है कि जब हमारे सामने मूर्तियां रखी हुई हैं। अब आप कहेंगे कि जी मूर्तियां हम अप्सरा की, योगिनी की या और दूसरे कहाँ से लाएं? तो आपको मैं बताया कि स्केच टाइप आपको इंटरनेट पर बहुत सारी मिल जाएंगी। अब वहाँ अप्सरा फोटोज करके सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगी, वहाँ से डाउनलोड करके और कहीं भी फोटोग्राफर से आप निकलवा लीजिए और उसको फ्रेम में मढ़वा करके वही चित्र हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको, आप कहेंगे कि भाई आप ना तो यक्षिणी पे इतना जोर देते हो, ना आप किन्नरी, ना ही आप और दूसरी जो नायिका साधना है, ना आप योगिनी साधना, इन पे ज़्यादा जोर देते हो, आप अप्सरा के ऊपर इतना जोर क्यों देते हो? बहुत से लोगों का ये भी तो मानना होता है कि पता नहीं गुरु जी तो अप्सरा के ऊपर ही बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको एक बात बताऊँ कि अप्सरा देव वर्ग से संबंधित है।
ये अप्सराएं जो होती हैं सबको पता है कि इंद्र के दरबार में होती हैं और देवताओं के बीच में वहां पर नृत्य करती हैं, उनका मनोरंजन करती हैं। जब कोई योगी साधना करता है तो देवराज का इन जब सिंहासन डोलने लगता है तो वो अप्सरा को भेजता है कि उसकी तपस्याएं भंग करो। तो अप्सरा तपस्या भंग करने का भी काम करती हैं। अब क्योंकि ये देव वर्ग से संबंधित हैं और आपको मैं चाहता हूं कि आप साधना करें तो देव वर्गों से संबंधित साधनाएं करें, क्योंकि इस साधना में आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। अप्सरा साधना को कोई स्त्री पुरुष वृद्ध कोई भी कर सकता है, इसमें नुकसान होने की तो बात होती नहीं है कि किसी को नुकसान हो जाए, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, दोनों कर सकते हैं। सिर्फ फायदे के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होगी, ये तो निश्चित है। और देखिए, मैंने आपको एक अनुभव पहले भी दिया था, उसमें जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर जो साधक ने साधना की है तो अप्सरा ने ही उसके दुश्मनों को भी हटा दिया, सबको हटा दिया। ऐसा नहीं है कि अप्सरा नहीं कर सकती इस काम को, शत्रुओं से भी रक्षा करती है, हर प्रकार से रक्षा करती है, आने वाली विपत्ति को पहले बता देती है, आपको पहले सचेत कर देगी, या फिर जो विपत्ति आने वाली होगी उसको पहले ही खत्म कर देगी। क्योंकि अप्सराओं के अंदर जो शक्ति होती है वो बहुत चमत्कारिक शक्ति होती है कि इधर आपने कहा और उधर काम हुआ तुरंत। तो इसलिए ये देव वर्ग से संबंधित हैं, तो अगर आप ऐसी साधना करते हैं तो आपको कोई नुकसान ना हो, इसलिए मैं इस प्रकार की साधनाओं पे ज़्यादा जोर देता हूँ। अभी दूसरी साधनाएं हैं, भैरव भैरवी साधना है। अब उस साधना के विषय पर मैं जाता ही नहीं कभी, क्योंकि वो साधनाएं स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के करते हैं, यहां तक कि वो संभोग की स्थिति में जाकर के उस साधना को करते हैं। लेकिन अब वहां अगर आप आपका माइंड डोल गया या फिर आप किसी प्रकार से मानसिक रूप से आप उस मार्ग से भटक गए तो वहां मृत्यु निश्चित है, फिर मृत्यु तक हो जाती है वहां पर। तो अब उस चीज को मैं इसलिए नहीं बताता कि भाई नहीं कर पाएंगे वो लोग, जिनको प्राइमरी लेवल की साधना चाहिए वो प्राइमरी लेवल से स्टार्ट हों, जिससे कि उनकी सुरक्षा रहे। क्योंकि मेन जो मकसद होता है वो सुरक्षात्मक तरीके से, क्योंकि मैंने जो भी साधनाएं अपने चैनल पर बताई हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षात्मक तरीके से ही आपको बताई हैं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से आप साधना करते हैं तो साधना तो आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा, मंत्र सिद्ध होगा ही होगा, और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, ये भी निश्चित है। अब कोई जाकर के उस साधना के विपरीत ही जाकर के साधना करने लगे तो भाई ऐसे में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, जब वो बताए हुए निर्देश उसने सही तरीके से किए नहीं है तो कि भाई मरो भाई, भट्टी में जाओ, फिर क्या करोगे। और बहुत से लोग तो कहते हैं जी साधना की विधि में से ही मेन मेक निकालने लगते हैं, जी हम ऐसे कर लें वैसे कर लें। अरे भैया, जब एक बार बता दिया तो वैसे ही करो ना, साधना तुम्हारे टाइम के अनुसार या तुम्हारे जो परेशानी है उसके अनुसार विधि नहीं बदली जा सकती है, आपको बदलना होगा अपने आप को, उस विधि के अनुसार आपको चलना होगा। नहीं चल सकते हो तो फिर रहने दो, करो मत। तो इसलिए इस चीज़ पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि देखिए जो चंद्र ग्रहण होता है ना, चंद्र ग्रहण में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, जो अपरा शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि यक्षिणी हो गई, योगिनी हो गई, या फिर साबर मंत्रों से कोई साधना हो गई, नायिका है या फिर अप्सराएं हैं, ये जो शक्तियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ में एक्टिव होती हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण रात्रि में पड़ता है और रात्रि में ही इनकी साधनाएं भी की जाती हैं, क्योंकि रात्रि में तो ये वैसे ही एक्टिव रहती हैं। तो अब दोनों चीजें हैं, चंद्र ग्रहण भी है और रात्रि भी है, और टाइम भी आप देखिए, टाइम जो होता है इनका, प्रत्यक्षीकरण का जो टाइमिंग होता है वो 12 बजे से लेकर के और 2 बजे के बीच का टाइम होता है
प्रत्यक्षीकरण का भी, और यहां जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उसका भी टाइमिंग बहुत अच्छा है, 1:05 से 2:24, यानी प्रत्यक्षीकरण का पूर्ण टाइम है यहां पर। तो इसलिए साधना चंद्र ग्रहण में जरूर आपको करनी है। और एक चीज और बताऊं, साधना किसी को बता करके मत करना। जब भी कोई आप ऐसी साधना करो तो किसी को भी नहीं बताना है आपको, चुपचाप बैठ अपनी साधना करो बस। आप जो फूल हैं, पुष्प है, इत्र है, वो सब आप पहले ही ला करके और रख लीजिए, ठीक है। और चंद्र ग्रहण के टाइम में जैसे ही शुरू हो उससे पहले या 5 मिनट, चंद्र ग्रहण जैसे मान लिया कि 1:05 से शुरू है, तो 1:05 हो तो तुरंत स्नान कर लें। जरूरी नहीं है कि आप साबुन लगा करके ही स्नान करें, पानी से स्नान होना चाहिए, और 5 मिनट में स्नान करके और अपने बैठ जाइए जहां भी आपको साधना करनी है। दीपक भी जलाइए घी का, अगरबत्ती धूप बत्ती भी जलाइए, सब कुछ कीजिए, सिर्फ यंत्र और जो आपका फोटो है उनसे आप टच मत कीजिए बस। अब बात रही कि भाई माला, तो माला आप जब आप मंत्र जाप कर लें, पूर्ण हो जाए, चंद्र ग्रहण खत्म हो जाए, तो फिर माला को आप गंगा जल से धोएं, दोनों मालाओं को, पूरे जितना भी आपका जो पूजा घर है सभी में गंगा जल छिड़कें स्नान करने के बाद, ठीक है, क्योंकि आपको पहले भी स्नान करना है बाद में भी स्नान करना है। अब बात आती है कि जी स्नान तो करें लेकिन ठंडी भी है क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा पानी गर्म कर सकते हैं, थोड़ा पानी गर्म करके हल्का, जब वो हल्का हल्का गर्म सा रहे तो उससे आप कर सकते हैं स्नान कर सकते हैं उससे। और ग्रहण के बाद में तो पूरे घर में गंगा जल आपको छिड़कना ही चाहिए क्योंकि जो अशुद्धि होती है वो गंगा जल छिड़कने से सब खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से माला को भी जब आप गंगा जल से धो लेंगे तो उनकी अशुद्धि खत्म हो जाती है और उनकी जो चैतन्यता है वो बरकरार रहती है, ठीक है। तो इसलिए उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मैंने आपको तरीका आपको बता दिया है। अब चंद्र ग्रहण में आपको ये साधनाएं जरूर करनी है। अब बात आती है कि जी अगर प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो आपने गुलाब के पुष्प पहले ही ला करके रखे हुए हैं और जो इत्र है, इत्र की सीसी भी आपके पास होगी क्योंकि जब आप साधना कर रहे हैं तो होनी चाहिए, तो जैसे ही आए वैसे ही उसको आप गुलाब के पुष्प और इत्र भेंट कर दो बस और वचन ले लो। अब आप कहेंगे जी कोई भोग नहीं देना है, आपको मानना चाहिए कि वो तो केवल गुलाब के पुष्प से ही खुश हो जाती है, वो एक फूल से ही खुश हो जाती है, फूल और खुशबू बस दो चीजों से वो खुश हो जाती है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए ये साधना आप जरूर करें। अब अगर साबर मंत्र की कोई साधना करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आप अप्सरा साधना कोई नहीं करना चाहता है या यक्षिणी साधना नहीं करना चाहता है तो कोई थोपने वाली बात नहीं है कि नहीं जी आप करो ही करो। आप अगर कोई साबर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या कोई दूसरी साधना का मंत्र सिद्ध आप बोलना चाहते हैं या उसकी माला जपना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो, गुरु मंत्र भी आप कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो अपना गुरु मंत्र ही करेंगे, तो भाई आप गुरु मंत्र करिए, केवल आप मंत्र जाप करिए गुरु माला से। और अगर साबर मंत्र करते हैं तो जो विधि मैंने बताई है उसी तरीके से करें भाई, पहले गुरु मंत्र का जाप होना चाहिए, उसके बाद सर्वार्थ साधक साबर मंत्र जो है उसका 21 बार जाप करें और फिर उसके बाद में अपने साबर मंत्र का जाप करें। तो उसी प्रकार से जब तक ग्रहण पड़ता रहे तब तक आपको मंत्र जाप करते रहना है, ग्रहण में ही आपको अनुभव हो जाएंगे क्योंकि ग्रहण में तीव्रता होगी और तीव्रता होगी तो अनुभव भी जल्दी होंगे, ठीक है। तो देखिए ये साधना आप जरूर करें। इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं।
अगर किसी भाई को कुछ पूछना है तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है, और कमेंट में मैं उसको जवाब दे दूंगा। इसी के साथ मेरे साथ में आप बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।